झुंझुनू लोकसभा सीट का सियासी घमासान, पूर्व सांसद संतोष अहलावत के बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। सूरजगढ़ में हुई एक चुनावी सभा का यह वीडियो बताया जा रहा है। संतोष अहलावत ने अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके बाद चेताया, कहा कोई माई कलाल मेरे वोटर को सता नहीं सकता है, मोदी को वोट नहीं तो नौकरी नहीं करने देंगे, वे अपना बिस्तर बांध ले, 5 साल सूरजगढ़ में घुसने तक नहीं दूंगी। संतोष अहलावत ने अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी। अहलावत ने सफाई में कहा कि वीडियो फर्जी है, शरारती तत्वों ने इसे एडिट किया है। कार्यकर्ता को, मेरे वोटर को, मेरे शुभ चिंतक को कोई माई का लाल किसी दफ्तर में बैठकर सता नहीं पाएगा, मेरा कमिटमेंट आपसे। आरएम का खुला मन से न्योतो दे रहे हैं कि तो सील मिलो ना बिस्तर का, कंडी रस्सी बांध लियो, 5 साल बंधूंगी। संदीप केडिया मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं झुंझुनू से। संदीप, संतोष अहलावत का बयान भाई बताइए जरा, किसने एडिट किया, क्यों करते हैं ऐसा लोग, एडिट करके बयान को वायरल कर देते हैं, बताइए संदीप। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो है, ये 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, जब वो बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन था सूरजगढ़ में, और उसमें ये संतोष अहलावत ने जो भाषण है वो दिया था। हालांकि अभी संतोष अहलावत इस वीडियो से की पुष्टि नहीं कर पा रही है, कर रही है, और वो कह रही है कि एडिट किया हुआ है, छेड़छाड़ की गई है। लेकिन यदि इस तरह का वीडियो वास्तव में है, इस तरह का बयान वास्तव में है, तो काफी शर्मनाक कहा जा सकता है। चुनाव के समय इस तरह का बयान सही नहीं कहा जा सकता जी। संतोष अहलावत ने क्या किसी तरह की कोई कंप्लेन, कोई शिकायत दर्ज करवाई, अगर वाकई में एडिट किया गया है उन्हें लगता है ऐसा? तो अभी तक ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, और यदि करवाई गई है तो उन्होंने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है। लेकिन फिलहाल जो फौरी तौर पर हमें जानकारी मिली है कि संतोष अहलावत का कहना है कि ये वीडियो फर्जी है, गलत है जी। वीडियो फर्जी है, गलत है, किसी तरह की कोई उन्होंने अंदेशा जताया कुछ लोगों पर, किसने एडिट किया, किसी तरह का कोई शक, कोई अंदेशा संतोष जी को? जी अभी हमारी, या सिर्फ वही विपक्षी पार्टी का राग? बिल्कुल अभी हमारी बातचीत नहीं हुई, लेकिन हम मान सकते हैं कि विपक्ष पर ही ये ठीकरा फूटने वाला है, और विपक्ष का ही नाम लिया जाने वाला जी। अच्छा, वहां पर जहां संतोष अहलावत ये बयान दे रही थी, वहां पर मीडिया के लोग भी होंगे, पत्रकार भी होंगे, और भी बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। संतोष अहलावत हो सकता है अभी मीडिया से बच रही हूँ, उन लोगों से आपकी बात हुई संदीप? जी बिल्कुल, अभी वहां पर कौन था कौन नहीं था ये भी अभी सामने नहीं आया, क्योंकि वीडियो आज ही वायरल हुआ। हालांकि वीडियो 2 दिन पुराना है, जैसे मैंने दर्शकों को बताया कि परसों का ये वीडियो है, जबकि कल पूरे दिन इस वीडियो का कहीं संदीप रुके, संतोष अहलावत पूर्व सांसद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। संतोष जी, आपका ये वीडियो हम सुना रहे हैं, ये आप जो बयान दे रही हैं ये हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया चाहिए मैडम इस पर। देखिए मेरी बात सुनिए, 4 दिन पुरानी बात है, और एक कार्यकर्ता ने कार्यकर्ता सम्मेलन में ये कहा था कि आज भी दफ्तरों में, अधिकारियों में गरीब की सुनवाई नहीं होती, जबकि आप कह रही हो गरीब को गणेश मान के हम काम कर रहे हैं। तो ये तोड़ मरोड़ के की हुई चीजें हैं, ऐसी कुछ भी बात नहीं बोली मैंने, सिर्फ ये बोला था कि गरीब को सुनना पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी, और सभी की बात माननी पड़ेगी, जायज बातें तो करनी पड़ेगी। इसमें ये तो जोड़ जोड़ के, कहीं से काट के, कहीं का जोड़ जो के बनाया, देखिए भैया ये कोई भी बात ऐसी नहीं थी। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, हर व्यक्ति को कोई ना कोई लाभ मिला है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी अपने नेताओं से ये तो नहीं कहते ना कि आप डराइए धमकाइए लोगों को, कोई माई का लाल मेरे वोटर को सता नहीं सकता है, किस माई के लाल से डर लग रहा है आपको मैडम? तो आप मेरा वर्जन सुन रहे हो कि आप मेरे से बात, मैं तो जब आपको ये कह रही हूँ ये फैब्रिकेटेड चीज है, ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा था कि भाई सुननी तो पड़े ही ना, जो जायज बात लेके जाता उसकी हम भी सुनते हैं, सबको सुनना चाहिए। इस वीडियो में एक, एक, इस वीडियो में कुछ और शब्द आप कहती हुई नजर आ रही हैं, वो भी फैब्रिकेटेड होंगे जब आप कह रही हैं तो, कि मोदी को वोट नहीं तो नौकरी नहीं करने देंगे, अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, 5 साल सूरजगढ़ में घुसने नहीं दूंगी। मेरी बात सुनेंगे भैया प्लीज? आप
सामने वाला जो मुझसे ये बोल रहा है कि आज भी धमकाया जा रहा है, आज भी गरीब की सुनी नहीं जा रही है, मैं उसका जवाब दे रही थी कि कोई धमकाएगा नहीं और कोई धमकेगा नहीं, सबकी धमकाने का जवाब धमकी देकर दे रही हैं आप। नहीं, मैं धमकी नहीं थी, वो मैंने ऐसा बोला नहीं था। अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, सूरजगढ़ में घुसने नहीं दूंगी, इसे क्या प्यार मोहब्बत से बोले जाने वाली बात कहते हैं? ये बात करप्शन की चल रही थी। हाँ। ये बात आपको साम जो बोल रहा था उसकी नहीं सुन रही है ना एक्चुअली। हाँ। हाँ। सामने वाला बोल रहा था बहुत करप्शन। आप तो जनप्रतिनिधि है ना, नेता है ना, तो नेताओं की क्या जिम्मेदारी होती है, जनप्रतिनिधि की क्या जिम्मेदारी होती है? आप ये कहेंगे कि सामने वाला बोल रहा था तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी? नहीं, आप नेता इस तरह के होते हैं? इस तरह आप वोट मांगने जाएंगी? मतलब आप भी वही बात कह रहे हैं तो फिर तो क्या बात की जाए? तो मैडम आप जवाब दीजिए ना, आपको इस वक्त सैकड़ों हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं, मैं तो उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। मेरी बात को आप काट रहे हैं बार बार। नहीं नहीं, काट नहीं रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। अब आप इसे काटना समझे तो समझिए। नहीं, मेरी एक बात को पूरा सुनिए पेशेंस, जैसे मैं पेशेंसली मैंने आपकी बात सुनी उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहती हूँ। बात वहाँ ये चल रही थी कि कार्यकर्ता दुखी है, उसकी सुनवाई नहीं होती, वो घंटों दफ्तरों के बाहर खड़ा रहता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, उससे घूस मांगी जाती है। शिकायत दर्ज करवाई आपने कहीं फैब्रिकेटेड वीडियो की? भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब सबकी सुनी जाती है और नहीं सुनेगा उसको कहेंगे। ठीक है, तो देखो मुझे ये तो कहना पड़े ना। ठीक है मैडम, उम्मीद है जल्द शिकायत दर्ज करवाएंगे आप इसे। ठीक है संतोष जी, शुक्रिया अपना कीमती वक्त।